अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगी कि तंदूरी रोटी कैसे लगाते हैं। वेरी सिंपल। ये देखें, ये मैंने जो है आटा पहले से गूंद लिया हुआ है और ये साथ में देसी घी है। अच्छा, अब ये जो मैंने आटा गूंदा है इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं ऐड किया, मतलब ना इसमें कोई अंडा है ना इसमें कोई और चीज़ है जो मैंने मिक्स की है। सिंपली जैसे आप रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा मैंने गूंदा है, आप भी ऐसे ही गूंद लें। और ये देसी घी है मैंने जो साथ लिया है, क्योंकि हमने इस आटे के साथ या इस रोटी के साथ अपने खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करना। ये अब थोड़ा सा घी हम अपने हाथों पे पहले लगा लेंगे और उसके बाद ऐसे पेड़ा बनाएंगे जैसे हम आम चपाती का पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये देखें कितने अच्छे से ये बन गया। और ये हम घी जो है इसको दोनों तरफ अच्छे से लगा देंगे ताकि जो हमारा आटा है वो चिपके नहीं। ये देखें ऐसे ही आपने बकाया के पेड़े कर लेने हैं। ये देखें ऐसे ही हाथ पर आपने घी लगाना है अपने और पेड़ा कर लेना है। याद रहे, तंदूरी रोटी बनाने के लिए आपको दो कामों का जो है इस्तेमाल वो नहीं करना है। आपने जो खुश्क आटा है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और तवे का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना है। कैसे बनेगी ये मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊंगी। ये देखें हमारे तीनों पेड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें ऊपर इनके थोड़ा सा हम ऐसे टचिंग कर देंगे देसी घी की। चलें, अच्छा अब ये हमारे पास एक प्रेशर कुकर है, मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। आप के पास अगर स्मॉल साइज़ है तो आप छोटी रोटी भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास ये साइज़ है तो आप थोड़ी सी बड़ी लगा सकते हैं, और अगर इससे ज़रा खुला प्रेशर कुकर है तो आप मज़ीद थोड़ी सी बड़ी रोटी लगा सकते हैं। अब मैंने इसको पहले से जो है वो गर्म कर लिया हुआ है अच्छे से मीडियम फ्लेम पे, और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको मैंने हल्की आंच पर रखा था ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके अंदर रोटी कैसे लगानी है। हमने आगे जो यूज़ करना है वो है पानी। अब हम इसको रोटी को बेल लेंगे बेलन की मदद से, और अगर आपका आटा नरम है बेलन से नहीं बेल सकते आप तो आप इसको हाथ की मदद से भी जो है प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें ऐसे इसे प्रेस कर लें और उसके बाद आप इसको लगा लें। तो ये तकरीबन इतनी बड़ी रोटी लगेगी। अब हाथ पर मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है, ऐसे ही ये रोटी उठाएं और आपने इस रोटी के ऊपर पानी लगाना है, अच्छे से पानी लगा लें। ये देखें पानी मैंने कैसे लगाया, ऐसे ऐसे आपने उल्टे हाथ वाली साइड पे रोटी को पकड़ना है और प्रेशर कुकर को ये देखें थोड़ा टेढ़ा करके आराम से रोटी इसमें लगा देनी है। देखें कितने आसानी से रोटी मैंने इसमें लगा दी है। ऐसे ही आपने वन बाई वन रोटी लगा लेनी है। तो हमारे प्रेशर कुकर में तीन रोटियां इजीली लग गई हैं। अब आप इसको उल्टा करके मीडियम फ्लेम पे रख दें और दो मिनट के बाद देखें कि आपकी रोटी जो है पक गई है या नहीं। तो देखें हमें कितनी खूबसूरती से हमारी रोटी पक गई है। ये और मैंने ये एक प्लेट में जो है ले ली है। अब ये देसी घी है मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल खुशबू ऐसे आ रही जैसे आपने तंदूर पे रोटी बनाई हुई है। तो अपने अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है, रोटी कैसी लगी, और प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की रोटी बनी है, तंदूरी रोटी का टेस्ट है। और आप इसको किसी भी मतलब दाल के साथ ले लें या आप इसको किसी भी सब्ज़ी के साथ ले लें, अचार के साथ लें,
तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।